अलकायदा के नाम से बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के दफ्तर को धमकी आमेज मेल रवाना करने के इल्ज़ाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक बिहार के चीफ मिनिस्टर के दफ्तर को बम धमाके से उड़ाने की धमकी देते हुए हफ्ते को एक मेल अलकायदा के नाम से रवाना किया गया था। पुलिस ने फौरी तौर पर चौकसी इख्तियार करते हुए तनखी की, ताहम दफ्तर चीफ मिनिस्टर में कोई भी काबिल एतराज शय दस्तियाब नहीं हुई, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया और मेल करने वाले शख्स की तलाश शुरू कर दी थी। इस दौरान मुश्तबा शख्स को कोलकाता में हिरासत में लिया गया। उसका ताल्लुक रियासत बिहार के बेगूसराय से बताया गया है। मुलजिम की शिनाख्त 51 साल मोहम्मद जायद के तौर पर की गई है। वो कोलकाता में पान शॉप चलाया करता है। पुलिस के मुताबिक उसी शख्स ने धमकी आमेज मेल रवाना किया था, ताहम फौरी तौर पर इस बात का पता नहीं चल सका कि इसने ये मेल क्यों रवाना किया। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फ्लैश नॉ न्यूज़ चैनल को। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।